नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 26.5 साल हो चुके, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत है। क्या आता क्वेश्चन, नौकरी में दिक्कत आ रही है कि आगे नौकरी ही करें या बिज़नेस करें, बिज़नेस सही चलेगा नहीं चलेगा, शादी कब होगी, हेल्थ के बारे में और पेरेंट्स की हेल्थ के बारे में, ये सारी चीज़ें पूछी हैं। लेकिन ये जो हाथ है, देखो नो डाउट ये हाथ पैसा कमाएगा, पैसा तो कमाएगा और अच्छा पैसा कमाएगा, पर लेकिन कहीं बेवकूफ़ी की वजह से करोड़ों का नुकसान भी होना ये भी निश्चित है। अब वो क्यों है वो इस एनालिसिस में बताऊंगा। लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि ज़रा ये तो मेरा सॉफ्टवेयर बता रहा है ना, देखो एक एक क्लैरिटी सॉफ्टवेयर दे रहा है ना, दे रहा है। अब मुद्दा आता है कि ये जो बीच में ये जो छोटे छोटे ये जो डॉट बिंदु पड़े हैं ना, ये जो छोटे छोटे बिंदु देख रहे हैं, ये हर काम में थोड़ा बहुत जो है ना दिखते लाएंगे। यानी आप ये नहीं कह सकते कि मैंने काम शुरू करा तो वो काम शुरू करने में दिक्कत आएगी, समझते रहना। काम कर लिया तो ये है कि काम चल रहा है, लेकिन उसमें बीच में थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहेंगी। यानी टेंशन वाला जो चीज़ों से पैसा कम, टेंशन मिलेगी तो पैसा आएगा। यानी एक पीस ऑफ माइंड नहीं है कि मेरा काम चल रहा है तो इसमें इतने लाख रुपए आना ही आने हैं तो चलो जी, ऐसा चीज़ें नहीं हैं आपकी लाइफ में, पहली बात तो ये है। दूसरी, ये जो कुछ फॉर्मेशंस हैं, देखो जीवन रेखा, जो जीवन रेखा होती है देखो मैं समझा, जो जीवन रेखा होती है वो हमारी हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है, हमारी हेल्थ को। तो जो इस तरफ आएगी वो हमसे और हमारी फैमिली उसको पता। जो नीचे आती है वो फैमिली आती तो है, पर लेकिन क्या है, वो फैमिली की हेल्थ प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है। फैमिली की कौन सी होती है, जैसे आपके घर बड़ा है, बड़े में कोई रिश्तेदार कोई कुछ उनसे रिलेटेड होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। देखो ये साइन है, ये क्या है, ये साइन किसका होता है, आपका पुश्तैनी का, बट इसी से आगे एक ट्रायंगल बनाया हुआ, ये देखो ये ट्रायंगल, ये इनका भी आएगा, यानी इनके घर पे भी कोई बीमार पड़ेगा। अब इनमें क्या है, ये पढ़ाई है तो यहाँ पढ़ाई बैक लगेगी। देखो लॉजिक समझो, इस समय पर इसका मतलब होता है पुश्तैनी में कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है। पुश्तैनी कौन होता है, पापा मम्मी उनके घर वालों के से रिलेटेड, पापा मम्मी में दादा नानी नानी आ गए, समझते रहो, उनके रिलेशन में कोई बीमार पड़ेगा इसलिए ये ऊपर आया है, समझते रहो। उसी पर ट्रायंगल बना हुआ है और ये, यानी इस समय पर आपसे रिलेटेड भी कुछ होगा, इसका मतलब ये, यहाँ पर देने का मतलब ये था। यानी इसमें पढ़ाई कर रहा है तो उसमें बैक लगेगी, कम नंबर आएंगे, लॉजिक समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको इस तरीके से देखते हैं, अब ध्यान से देखना लॉजिक क्या कहता है। लॉजिक कहता है कि ये थी इनकी जीवन रेखा, जीवन रेखा पर इधर इस जगह पर क्या आया, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बार, बार किसे कहते हैं, इतना इसको बार बोलते हैं, एक डंडा सा हो ऐसे करो उसे बार, अब इसे डार्क कर दिया तो ये क्या है, यहाँ पर मुसीबत आ रही है, मुसीबत आ रही है ना, ये क्या है, घर, घर। अब ये घर है तो यानी ये कोई प्रॉपर्टी है, अब उस पर बार का मतलब है कि उसमें कोई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, कोई नुकसान या समथिंग, समझते रहना। अब ये इंडिकेशन यहाँ पर आई, इसी के नीचे ज़रा देखना, इससे पहले
ये और इससे पहले ये, और उसी में ये साइन आ रहे हैं, उसी पर ये बार आ रहा है, यानी वो बीमार भी पड़ेंगे, समझते रहना, और उसका फ़ायदा भी मिलेगा। ये 22वां साल है, ये 21वां साल है, तो यानी 21वें साल पर नुकसान भी होगा, कोई बीमार भी पड़ सकता है, और उसका जो नुकसान का जो फ़ायदा थोड़ा बहुत मिलेगा, उस पैसे का जो रुका हुआ था, वो यहाँ पूरा होगा, क्योंकि इसके साथ भी एक ये ट्रेंगल आया होगा। ठीक है, अब देखो देखो ध्यान से देखना, ये वाला जो साइन बन रहे हैं, ये यूँ घूम के बन रहे हैं ना, घूम के बन रहे हैं, और नीचे ये वाला साइन जो है कोई प्रॉपर्टी का बन रहा है। तो 22.5 और 23 में इसने जीवन रेखा को भी डार्क कर रखा है, उसी के ऊपर बार बना है ना, बार बार फिर कहूँगा ऐसे करके यूँ, ये वाला इसे डार्क कर रखा है। अब यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम को लेके आएगा, समझ रहे। तो यहाँ जितना ये डार्क बनता रहेगा, मुसीबतें आएंगी, उसमें कोई आदमी की डेथ हो जाती है, या कोई आदमी नीचे गिर जाता है, कोई किसी का सिर फट जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, यानी किसी का ऑपरेशन हो जाता है, बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं इसमें। ये जितना जीवन रेखा के नीचे से ये बार बनती है, ठीक है, ऊपर ये ट्रायंगल बना हुआ है, इसका क्या मतलब है, देखो इस ट्रायंगल के साथ, इस ट्रायंगल के साथ इस वाले साइन पर एक साइन ऐसे बना, कुछ करना है, यानी इस समय पर ये कोई एडमिशन या उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, इसके ऊपर ट्रायंगल बनाया हुआ। अब यही साइन कोई कोचिंग का भी होता है, साथ साथ पैरेलल कोचिंग भी करता है आदमी, ठीक है, तो यानी चीज़ें तो समझ आ रही है, और यही लाइन आगे चल रही है, यानी आगे कैरी ऑन करेंगे, बीच में ऐसा भी सोचेंगे कि मुझे छोड़ देना है, रीज़न क्या था छोड़ देने का, क्योंकि मैंने क्या कहा, इनके ये वाले साइन जो बनते हैं उसमें माइंड डिस्टर्ब्ड रहता है, माइंड डिस्टर्ब, ये सॉफ्टवेयर मेरे को बता देता है कि यहाँ पतली से पतले साइन क्या इंडिकेशन कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो ध्यान से देखना, यहाँ ये जो बॉक्स बने हैं ना, ये बॉक्स बने, इन बॉक्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी, इनका मतलब होता है वो प्रॉपर्टी जो होगी वो पुश्तैनी का पार्ट होगा। ये चल रहा है, चल रहा है ना, ये जो साइन आया है ये प्रॉपर्टी जो आप मतलब क्या बिजनेस करोगे उसका फ़ायदा मिलेगा, आप अपना पैसा लगाओगे उस, फिर पूरी फैमिली को वहाँ लेके जाओगे, यानी ये उनके साइन आ रखे, ये जो ये डार्कनेस वाले साइन आ रहे हैं ये बीमारी के आते हैं, कोई ना कोई बीमार पड़ता है। अब इसका संबंध बीमारी के अलावा कोई प्रॉपर्टी से भी, यानी इसी पर अगर कोई ट्रेंगल बनने की कोशिश है तो इस समय पर कोई और दूसरा काम पैरेलल पकड़ा हुआ है। देखो इनका हाथ कैसे चल रहा है, साथ साथ कैसे चल रहा है, एक काम पकड़ते हैं उसके साथ साथ फिर दूसरा काम कर रहे हैं, वो यहाँ तक चलता है, फिर इसके अगेंस्ट में एक और काम पकड़ते हैं, ये उस तरीके से चल रहा है। फिर इस जगह पर आकर ये अपनी जगह चेंज करते हैं, ये जगह चेंज होती है। मैं आपको इनका पहले ओवरऑल ऊपर ऊपर का सारी चीज़ें बताता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कि एक्चुअल में क्या, ये 38 से 39 साल के बीच में फिर जगह चेंज करेंगे, ठीक है, ये 38 से 39 के बीच में जगह चेंज करेंगे, इसके बाद फिर ये बिज़नेस शुरू कर, फिर ये ट्रायंगल्स बने। अब इन्हीं के बीच में ये क्या साइन आया हुआ, ये क्या साइन, देखो इस पे एक डॉट भी है, ये साइन जब भी आ जाएगा, एक सर्कल का साइन जब भी आ जाएगा, ये ऑपरेशन तो कराता ही कराता है, आँख की प्रॉब्लम भी लेके आता है, लेकिन ये साइन
या ये साइन इस ज़ीरो के साथ ऐसे साइन करोड़पति का साइन है, तो यहाँ फ़ायदा तो होना है, तगड़ा फ़ायदा होना है, लेकिन उसके बाद नुकसान भी होना है, नुकसान एक साल के बाद। तो वो सारा पैसा आप जो कमाओगे उसे ऐसे बिजनेस में मत लगाना जैसे शेयर मार्केट या किसी में या प्रॉपर्टी में, कागज़ देखे नहीं और आपने लगा दिया, किसी को अपने पैसा लिया कि ये डबल हो जाएगा उस पर लगा दो। अगर आपने ऐसा करा तो नुकसान से आप उभर भी नहीं पाओगे, जितना कमाया है सब बर्बाद। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, लेकिन डेफिनेटली आप पैसा कमाओगे, करोड़पति बनोगे। ठीक है, अब मुद्दा आता है कि काम जो है वो आसानी से नहीं होगा। ये जो लाइन आई है, ये जो लाइन नीचे आ गई ना, हृदय रेखा से लेकर नीचे आ गई, ये गलत है। ये दोबारा शादी भी करवाई, यानी शादी में कोई दिक्कत है, समझते रहो, शादी में भी दिक्कत है। हृदय रेखा के नीचे से ये साइन इंडिकेट करते हैं हृदय सेंसिटिव है। सेंसिटिव क्या है कि जहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आई अपने परिवार या कहीं पर, तो उनसे रिलेटेड पॉप अप नहीं कर पाओगे, उभर नहीं पाओगे आसानी से, दिल पर ले लो, इनका मतलब ये है। बस इससे ये नहीं कि हार्ट अटैक हो जाता है, कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। और ये सारे साइन जो है इन्वेस्टमेंट्स के होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स आप करते रहोगे, मोटी करोगे, लेकिन इन सब इन्वेस्टमेंट्स की जड़ जो है वो है ये लाइनें। यानी इन लाइनों का मतलब ये है कि आपने कोई भी काम करना है, पैसा अगर बिजनेस भी करना है तो जड़ वाला बिजनेस करना है। जड़ वाले बिजनेस में बहुत से बिजनेस आते हैं, कोई पेट्रोल पंप खोल लेता है, कोई कॉलेज खोल लेता है, कोई स्कूल खोल लेता है, कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस कर लेता है, बहुत काम है जड़ वाले। यानी जड़ वाले काम से भी जो पैसा आएगा उसे भी जड़ पे लगाना। जड़ वाले काम में कागज़ का काम भी है, लक्कड़ का काम भी है, पेट्रोल भी है, जड़ यानी नीचे से जड़ से, कागज़ का काम भी आता है जड़ से, खेती बाड़ी भी जड़ से। तो उन कामों से पे और उन कामों से पैसा कमाना आपकी लाइफ में लिखा है, ये इस पूरे हाथ का निचोड़ है। पैसा कमाओगे, डेफिनेटली कमाओगे। ये वाली रेखाएं विदेश की भी बनी हुई हैं, विदेश भी जाओगे, डेफिनेटली जाओगे। इसका मतलब ये है कि आपने पैसा लगाया, ये नहीं कि आपकी वहाँ पर जाके सेटलमेंट है, पैसा लगाकर वहाँ पर जा रहे हो, इनका मतलब ये सारे जो पोर्शन बने हैं ये अमीर बनने के लिए, बिजनेस करने के लिए बने हैं। डेफिनेटली ये हाथ नौकरी के लिए है ही नहीं है, नौकरी ये कमाएगा बिजनेस। लेकिन अब कहाँ रोकना है उसको मैं, जो आपके ये साइन बने हैं ना, ये जो छोटे छोटे साइन बने हैं, तो इन साइनों को देखकर मैंने एक ग्राफ बनाया है, वो मैं दिखाऊँ। एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो तुक्के के पाम रीडर क्या कहते हैं, जो भाग्य रेखा है ये यहाँ आकर ख़त्म हो चुकी है और माइंड लाइन के ऊपर एक यव का निशान है, यव का निशान है, तो इस जगह इन्हें दिक्कत आएगी, समझते रहना। इनको ये कहते हैं कि ये 36 साल होता है, अंदाजन लगा देते हैं। अब इनको जो है 34-35 तक, 1-33 तक काम चलेगा, समझते रहना, और फिर पार्टनरशिप में रखते हैं तो वो 34-35 में तक एक काम जो होगा उसे खींचेंगे और उसके बाद जो है नया काम शुरू करेंगे। तो देखा मेरी बात पूरी हो गई ना, तो ऐसे भी तुक्के मार के नहीं, वहाँ पर वो इंडिकेशन मिलता है उसको करो। ये लाइनें जो आई हैं, ये लाइनें आई हैं कि आपकी हेल्प होगी, कोई ना कोई करेगा हेल्प, लेकिन आपका जो है शादी जो है उस पर दिक्कत है, इसलिए ठीक है।
देखो हर जगह पर वो जो साइन है ना, वो गोल 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 जो बन रहे हैं ना, इनके ये बन रहे हैं। तो यानी इनकी लाइफ में कोई ये बड़ा काम करना चाह रहे हैं, बड़े काम में कान खोल कर और किसी पर विश्वास नहीं करना कि मैं 10 दिन के लिए घूमने जा रहा हूँ, किसी पर पूरा का पूरा ही छोड़ दिया तो नुकसान होगा, ऐसे समय पर नुकसान होते हैं। ठीक है, पूरा आपने ध्यान देना है उस समय। ठीक है, अब देखो इनके हाथ का ग्राफ जो है वो क्या कह रहा है, ये देखो ये क्या है, इनके मम्मी पापा और उनके घर से रिलेटेड, यूं का मतलब होता है दिक्कत, ये है एक प्रॉपर्टी मैटर, समझते हो। ये क्या है, बीमारी पुश्तैनी से रिलेटेड, प्लस यहाँ ही पर एक ट्रेंगल बना हुआ तो ये इनसे रिलेटेड भी, तो यहाँ पेपर बैक लगना। ये क्या समय है कि दो रेखाएँ हैं ना यार, ऐसा करते हैं यार, मैं ना अपना जो MBA या कोई चीज़ कर रहा हूँ छोड़ देता हूँ यार, ये ट्रेंगल नहीं बनता तो ये छोड़ देते, कैरी ऑन नहीं करते। ये क्या है, कुछ करना है, यहाँ से इन्होंने अपना कोई कोर्स, इसके साथ एक कोर्स और, ये है कोचिंग से रिलेटेड, यही रेखा आगे गई तो इसने कोर्स कंप्लीट करवा दिया, फिर ये बैक लगना, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है, यहाँ से नौकरी प्लस बिजनेस, तो नौकरी प्लस बिजनेस का मतलब है कि ये जिस ढंग से बना हुआ है ये बीच में ही छूट गया है, तो नौकरी तो नहीं, बिजनेस में फिर भी कर सकते हो, बिजनेस में फिर भी कर सकते हो। ये एक आइसलैंड आया है, एक्चुअल में ये बिजनेस शुरू हो रहा है फरवरी तक, ये फरवरी तक बिजनेस शुरू हो रहा है। मैं चाह रहा था कि ये यहाँ पर आकर दिक्कत है तो इसके बाद शुरू करें 28 साल 2 महीने, लेकिन अगर जड़ वाला काम कर भी रहे हो कर लो, लेकिन इस समय सतर्क रहो, यहाँ नुकसान होने की संभावना है, तो पैसों का अरेंजमेंट कर लेना, फ्लो का जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, इसका मतलब तरक्की होता है, पॉप अप कर लो, इसका मतलब ये है, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इनका मतलब ये है कि इस समय पर आप अपने घर वालों को भी शिफ्ट करके लाना चाहोगे, वो काम 33 साल तक चलेगा। अब उसके बाद पार्टनरशिप में ये जो 3-3 रेखा बनी है, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं और से भी पैसा आ रहा है, और एक काम 34-35 पर तक जाकर ख़त्म हो जाएगा, फिर आप एक नया काम शुरू करोगे, पैरेलल दो काम शुरू करोगे 36 से 37। यहाँ पर पैरेलल में दो नहीं करना, एक ही काम करना, एक ही काम करना। यहाँ पर आपको कोई काम दूर जाकर मिलता है या आप शिफ्ट करना चाहते हो कर सकते हो, उसके बाद ये अमीर वाला साइन है, और उसके बाद आपका दो कामों का मतलब ये है, और इसका मतलब ये है कि वो सत्यानाश हो गया। यहाँ देखो ध्यान से देखना, 3/4, 4/3 नहीं बना हुआ, यानी जेल का साइन नहीं बना हुआ, यानी कुछ ना कुछ मैटर फंसना है, बेवकूफियाँ होनी हैं, तो जो कमाया है वो गवा दोगे, बेटर ये है कि इसे जड़ के काम में लगाना। जो लाइफलाइन के नीचे का जो साइन आए हुए हैं, ये तो बीमारी के साइन आए हुए हैं। ठीक है, ये क्या है कि आपको कहीं से पैसा लगा, उसने आपने वहीं कहीं लगा दिया। ठीक है, इस समय पर दिक्कत आ रही है, देखो ये 28 के करीब में दिक्कत है, उसके बाद ठीक है, ये भी ट्रेंगल का मतलब होता है सही, यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी चीज़ों से रिलेटेड ठीक है। 32 यहाँ पर आप अपने बिजनेस को बढ़ाओगे, ये है खर्चे ही खर्चे कॉप अप कर लोगे, पर ठीक है पीछे वाले खर्चे लगातार चलते जा रहे हैं, ये भी तरक्की का साइन है। मैंने मना नहीं करा, कोई नुकसान नहीं कहा, कोई कुछ नहीं कहा, नहीं कहा ना, क्यों, क्योंकि इस समय पर कोई दूसरा काम करते हुए मिल रहे। ठीक है, जो पैरेलल मैंने कहा था दो काम ठीक है, ये वो है। तो ओवरऑल आपका हाथ कहता है कि आपने ये बनना है, अमीर बनना है, बट सारे काम को आप चढ़ के काम में लगा लेना, प्रॉपर्टी के काम में लगाओगे फायदा मिलेगा। इसका मतलब ये है कोई ना कोई, ये देखो कब से है ये साइन, ये है 23 साल से, ये है इनके घर वाले, कोई रिश्तेदार उनसे रिलेटेड है,
अगर उनसे रिलेटेड कोई रिश्ता आता है मत कीजिएगा, ठीक है। मैं 28 में वैसे शादी थी, मैं इसे रोक रहा हूँ, मैं 29 से 30 में करवा रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये वाली शादी जो होनी थी 32 साल पर आकर तलाक में कन्वर्ट होनी थी, यानी दिखते आनी थी। कारण क्या बनना था कि आपके घर पर आप जो है अपने माँ बाप के प्रति थोड़े सचेत रहते हो, उनकी टेंशन के कारण आपने अपनी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करके अपनी बीवी के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। कारण है इन 2 साल में 29 से 30 में जो शादी होगी, 2 साल तक अपनी बीवी को खुला छोड़ दो। खुला छोड़ने का मतलब है अगर वो मायके जाना चाहती है, वो फ्रीक्वेंटली जाना चाहती है, वो पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, कुछ नहीं है। एक बारी बोलो ठीक है आ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो। माँ से मम्मी पापा भी बोलते हैं हाँ बेटा कुछ नहीं होता। पॉप अप करना सीखो इस प्रॉब्लम को, और इस समय पर बच्चा मत पैदा करना, बस 32 साल तक। 32 साल के बाद बच्चा पैदा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो तलाक तक बात जो है पहुँच सकती है। बेटर ये रहेगा अगर ऐसे अगर आप आगे बढ़ते हो तो बढ़ सकते हो, ठीक है। और आप इस समय पर ये जो आप एक प्रॉपर्टी स्कूल में आप इन्वेस्टमेंट, उसकी सलाह ये है कि इन्वेस्टमेंट सपोज़ 50 लाख की पड़ती है, तो 50 लाख में जो नीचे की प्रॉपर्टी सपोज़ जिस पे स्कूल बना है उसमें भी अपना हिस्सा रखना है। ये नहीं कि फर्नीचर पर रखना है, इसमें रखना है, उसमें रखना है। रखोगे फ़ायदा करो, क्योंकि उसी से फ़ायदा मिलता है। और पुश्तैनी प्रॉपर्टी का सारा पैसा बिज़नेस में नहीं लगाते हैं, उसे किसी जड़ में लगाते हैं। और यहाँ जड़ में लगाना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने ओके करा। मैंने क्या कहा था, पुश्तैनी प्रॉपर्टी का पैसे को बिज़नेस में मत लगाओ, लेकिन वो जड़ में लगना चाहिए, किसी प्रॉपर्टी में लगना चाहिए, इसलिए उसमें भी पार्टनरशिप होनी चाहिए अगर ये पार्टनरशिप में बिज़नेस करना है तो, ठीक है। लॉजिक समझ आ गया, सूर्य कमज़ोर है, ठीक है। सूर्य का उपाय आपको जरूर 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 करना, सूर्य को करो, शुक्र को करो, सूर्य को करो, शुक्र को करो, दोनों उपायों को लगातार लगातार करते रहो। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट शेयर कीजिएगा। मॉरल क्या है आपके हाथ का, मॉरल ये है कि ये हाथ नौकरी कर ही नहीं सकता, ये बिज़नेस करेगा। बिज़नेस करने के बाद ये देखो ये वाला साइन क्या कहता है, दूसरी स्टेट में। फिर ये वाला साइन क्या कहता है, वो जो प्रॉपर्टी जो अपने अपनी फैमिली को भी डिसमेंटल करवा कर जो प्रॉपर्टी है पूरी की पूरी वहाँ से हटकर दूसरे जगह पर जाना, ये वहाँ कि मैं सेट हो चुका हूँ अब आ जाओ, फिर वो यहाँ तक चलना, फिर वो पार्टनरशिप में रख के वो फिर इधर से आपने कोई नया काम नहीं करना। 34-35 में करना है तो 36-37 में करना, और वो भी एक काम करना, ठीक है, एक काम करना। अब इनका क्या मतलब है कि आप काम ये जो करते जा रहे हो उनमें से कुछ ऐसे काम पकड़े हैं आपने यहाँ पर जिनका संबंध दूसरी स्टेट से है, आना जाना करते रहे। बहुत लोग जो हैं दिल्ली रहते हैं मेरठ चले जाते हैं, मेरठ से रोज़ आना जाना कर लेते हैं, दिल्ली रहते हैं तो सोनीपत से आना जाना कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। बाकी ये पैसा बहुत देगा, जो ये सर्कल आया है ये पैसा बहुत देगा। अगर ये गुरु पर्वत पे आ जाता तो आदमी को भक्ति भाव से पैसा कमा कर देता, लोग पंडित बन जाते, बहुत बड़े बड़े लोग बन जाते, ठीक है। एनीवे अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।